why did you choose for law one should always do something about which one is passionate about which is why i wanted ki, you know i should do something just which i'm comfortable hu, something that i can stick with for the rest of my life and something you know i'm passionate about towards hmm. media sapsi pelash shokonsatah show shobhi mera law sehi related tha. It was by the name of insaf 24-7 uh, with uh, my co-host hasnain and fatma और मुझे याद है ए प्लस के साथ था पहला शो में होस्ट दोनों चैनल्स के अंदर क्या फ़र्क महसूस हुआ एवरी चैनल हैज़ देयर ओन पॉलिसी सो पैरामीटर्स देखें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं तो आपको रूल्स के साथ कम्प्लाई करना पड़ता है आई थिंक सो हमारे पास बहुत जगह है अपना नाम बनाने hmm. की और अच्छा काम करके आर योर व्यूज ऑन दैट आई एग्री विद यू ये बात ठीक है इस बात से इनकार नहीं कि लोअर से एक मेल डोमेटिव प्रोफेशन है

आज का जो हमारा एपिसोड है उसको हमने लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा अलग रखा है एज वी नो दैट एज लॉयर्स वैसे तो लॉयर होना ही एक बहुत बड़ी बात है लेकिन एज लॉयर्स अब हमारी एक ये जो फील्ड है ये डाइवर्सिटी की तरफ चली गई है फॉर एग्ज़ाम्पल वी एंड अप इज़ वेरी गुड टीचर्स इन एकेडेमिया एंड जर्नलिज्म इज़ वन ऑफ द फील्ड्स जहाँ पे लॉयर्स बहुत अच्छा काम करते हैं और करते नज़र भी आते हैं सो so हमारी आज की गेस्ट का जो तारफ़ है वो भी यही है शी हैज़ अ वेरी डाइवर्स बैकग्राउंड शी हैज़ वर्क एज अ लॉयर इन टू ह्यूमन राइट्स शी हैज़ प्रोवाइडेड कंसल्टेंसीज इन डिफरेंट ह्यूमन राइट रैक्टर्स एंड देन शी हैज़ वर्क ऑल्सो इन द कोऑपरेट सेक्टर एंड देन शी एंडेड अ वेरी गुड शो एंकर एंड अ जर्नलिस्ट सो लेट्स वेलकम जर्नलिसरिस्टर फातिमा शाहिंग टू द शो वेलकम फातमा

अब देखिए ये क्वेश्चन से मिलियन डॉलर क्वेश्चन बिकॉज मुझसे इतनी दफा ये सवाल पूछा जाता है फादर इज डॉक्टर द बट थिंग इज कि मुझे लगता है कि वन शुड ऑलवेज डू समथिंग अबाउट वन इज पैशनेट अबाउट एंड आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स बट मैंने कभी भी ना मे बी शायद यही एक वजह थी विच इज वाई आई वॉज इन अ वे वेरी अवर्स टू मेडिसिन बिकॉज आई कुडंट सी ब्लड आई कुडेंट सी क्या कहते हैं इसको कि इलनेस डिजीज ऑफ एनी काइंड विच इज़ वाई आई वॉन्टेड की यू नो आई शुड डू समथिंग जिसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ समथिंग दैट आई कैन स्टिक विद रेस्ट ऑफ माई लाइफ एंड पैशनेट अबाउट सो लॉ बाई डिफॉल्ट भी आप कह लें टू समस्टेंट बिकॉज मेरा मैथ्स भी इतना अच्छा नहीं था आई ऑलवेज वॉन्टेडिंग जिसमें एक ना सोसाइटी को इम्पैक्ट करने का एंगल हो एंड ऑफकोर्स नो बडी कैन डिनाई द लॉ जो है वो बड़ा है। so one, जो वो बड़ा बड़ा एक एक नोबल प्रोफेशन प्रोफेशन है। सो फॉर रीजंस मोर वन आई थिंक लॉ जो था था लॉजिकल मेरे लिए well बहुत सारी चीजों को नजर रखते हुए। बिल्कुल, बिल्कुल। वेल फिर हमें बताएं, uh, बताएं ब्रीफली से किया mm -hmm. फिर अभी भी उस वक्त भी करते थे ऑफर वो लोग एक्सटर्नल प्रोग्राम एंड उसमें आई गॉट इन रोल्ड एंड वो करने के बाद आई वेंट प्राउड फॉर माई बार एंड आई डिड माई बी बी सी फ्रॉम दिच इज़ नाउ नोन एज द बी बी टी सी एंड बार करने के बाद वर्क थे फॉर वेरी शॉर्ट स्टेंट पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आई केम बैक टू पाकिस्तान सो मैं वहाँ पर जहाँ जब लोग जो बार करते हैं या जो लोग बाहर से hmm. पढ़ के आ रहे होते हैं आई डेफिनेटली आस्क दिस क्वेश्चन कि वहाँ थोड़ी देर रहने के बाद और काम करने के बाद वट वट इज द ड्राइविंग फोर्स दैट दैटाइड कि आपने वापस आना है वहाँ नहीं रहना मैं ना इस क्वेश्चन को आई थिंक दैट्स अ वेरी वेल एप्ट क्वेश्चन विच आई वुड वुट टू आंसर फॉर माई ओन एक्सपीरियंस इंटरेस्टिंगली शजा लॉट ऑफ पीपल डोंट नो बट जब मैं बाहर गई जब मैंने बात किया उसके बाद आई इवन गॉट ट पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो कि एक वीज़ा होता है यूके की गवर्नमेंट आपको देती है दो सालों के लिए <coughs> लेकिन उसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप वहाँ रहें या आप वापस वहां से वापस आ जाएं तो उसको मैंने इस तरह से इस्तेमाल किया कि फॉर सम टाइम तो आई डिड वर्क लेकिन उसके बाद आई चूज टू कम बैक प्राइमरी बिकॉज ऑफ द रीजन कि आई जस्ट टू टू कम बैक जस्टिड सोसाइटी आई टू टू कम बैक पाकिस्तान आई एम अ वेरी होता है ना वो लोग जिनमें वो एक बहुत ज्यादा होता है अब मुझे ये था कि अगर आप जा ही रहे कर ही रहे

और जो कि यहीं बैठ के अपना जो है सब कुछ कर रहे हैं सो आई थिंक ए स्वीपिंग स्टेटमेंट्स मेक करना थोड़ा सा थोड़ा सा शायद यू नो इट्स टू मच ऑफ अ थिंग आई थिंक बंदे को ना रियलिस्टिक होना चाहिए हर एस्पेक्ट को कंसिडर करना चाहिए बिल्कुल एज अ लॉयर तो मेरा ख्याल है कि एक तरह की सिचुएशंस पे हम hmm. लोग तो नहीं रिलाई कर hmm. सकते वी हैव टू डील विद डीलो इट्स वेरी अप टू वेरी डाउन तो लेकिन फिर हैविंग सेट दैट बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वहाँ पर वर्किंग ऑपरचुनिटीज बेटर हैं पेइंग ऑपरचुनिटीज बेटर हैं यू आर बेटर पेड फॉर एग्जाम्पल और फिर आपका एक्सपोजर उनको लगता है सबको एक जर्नल प्रसप्शन ज्यादा है सो वाई कम बैक टू पाकिस्तान और यहाँ पे फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको पता है फर्स्ट फाइव ईयर्स तो कमाने का तो आप सोच भी नहीं सकते mm -hmm. बिल्कुल so, uh, मैं उन लोगों को हमेशा बड़ा इंक्रेज करती हूँ जो इस फैटम के साथ और सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स जस, uh, यही होती है So, uh, so uh, फातमा वहाँ से कॉन्टीन्यू करते हैं वे डिटार्ट वर्किंग कहाँ सबसे पहले काम किया और क्या काम किया किस नीच में काम किया मैंने बेसिकली मेरी पहली जॉब थी एक कोपरेट लॉ फॉर्म के साथ um, बड़ा नॉन लॉ फॉर्म था एंड बड़ा अच्छा पे करते थे बड़ा एक अच्छा उनका एन्वायरमेंट था क्लीन इन्वायरमेंट एंड आई ऑल्सो हेड दी अपर्चुनिटी टू वर्क विद समीज़ अ फीमेल सो आई थिंकट इन इट सेल्फ वॉज ऑल्सो वेरी Heartening to start off with, because of course, you know, when you see the female representation in the profession, then that gives you a lot of है. boost. Absolutely. So I think I've been lucky throughout. Then I shifted to work with Asma jangi Amazing. I worked with her for some time again by a female-led.

तकरीबन कुछ पांच छह साल तो रखें ताकि उनको समझ तो आए कि उनका इंटरेस्ट वो जाना का जाते मैं बिल्कुल इस सवाल, मैं इस सवाल सवाल हाँ। को इसी पे लीड करना चाह रही थी हम लोग, आ, काम करते हैं फर्स्ट फ्यूर्स हमें नहीं पता होता कि हम किस चीज में अच्छे हैं या क्या हमारे लिए अच्छा है तो आई थिंक ये डाइवर्सिटी जो है ना ये आपको हेल्प करती है टू मेक बेटर एंड मोर इन्फॉर्म डिसीजन एंड दैट इज समय टू फिर प्रस करती थी मैं साथ ही साथ मुझे एक्सीडेंटली जो है टेलीविजन की भी ऑफर आई तो आई टोकट अपॉट ऑफ पीपल थिंक दैट ये मे बी प्लानी थी लेकिन इट वॉज नॉट इट वॉज बाई एक्ट सो उसके बाद फिर इस तरह का हुआ कि आई गोट अच्छा मुझे एक रिस्पॉन्स मिला एंड माई वर्क वॉज अप्रीशियटेड एंड ऑफकोर्स आई थिंक एक ये कहना गलत होगा मीडिया में जब आप आते हो इन द पब्लिक आए एवरीबडी लव्स दैट अटेंशन ये भी इट कम्स विद इट्स ओन बैगेज इसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता लेकिन उसमें एक होता है यू uh, नो you know, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द ग्लिट्स एंड द ग्लैमर बट हैविंग सेट दैट आई स्टिल ट्राइड कि यू नो आई शुड रिमेन वेरी ट्रू टू माई प्रोफेशन एंड मैंने मतलब जितना भी काम किया अब तक उठा के आप देख लें

राइट और उसके बाद फिर जर्नलिज्म सो so, जर्नलिज्म अब आप जो अब इस तरफ आई टूवर्ड्स hmm. मीडिया सो so, सबसे पहला शो कौन सा था कहाँ से शुरू किया एंड हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस आपको कितना डिफरेंस लगा उसमें पहला शो भी मेरा लॉ से ही रिलेटेड था इट वॉज बाई द नेम ऑफ इंसाफ ट्वेंटी फोर सेवन विद माई को होस्ट हसनैन एंड फातमा और uh, मुझे याद है ए प्लस के साथ था पहला शो मेरा right, right. तो वो तो बल्कि कॉन्सेप्ट बैक देन बड़ा नावल था बिकॉज हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट उस पॉइंट इन टाइम में जो है शुरू किया था कि भाई आप लॉयर्स को बिठाएं जो कि ऑन एयर बैठ के लोगों के मसाइल का जो है वो सोलूशन देंगे सो दैट वॉज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड उसके बाद मैंने देखा कि और लोगों ने भी देखा देखी सिमिलर शोज़ जो हैं लॉयर्स ने शुरू कर लिए लेकिन देन आई मूव्ड ऑन फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर

लेकिन कानून की भी अकल समझ रखना एक बहुत इम्पोर्टेंट है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीपल आउट है लोगों को एक बेसिक लेवल पे अवेयरनेस होनी चाहिए बिल्कुल फातमा आप जिस तरह गेस्ट भी आते हैं और जिस तरह आपका भी एक्सपीरियंस रहा है और

Uh, ये बहुत ज़रूरी है जो आप कह रही हैं दिस इज़ वेरी फंडामेंटल एंड दिस इज दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड डायमेंशन क्या हमें hmm. पता होना चाहिए कि क्या लीगल राइट्स हैं अच्छा फाति आपने काम किया इन द प्राइवेट सेक्टर भी अगर जी. उसको जो प्राइवेट लीगल जो आपके चैनल्स होते हैं एंड देन टू नेशनल आपका जो एक शो है दोनों चैनल्स के अंदर क्या फ़र्क महसूस हुआ काम करने की एज अ होस्ट बट अवर देर इन डिफरेंसेस के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स वहाँ पे आपको लगे हों और वहाँ पे आप थोड़ा इज आउट हो यू नो इन द सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला जो एक एलिमेंट होता है दोनों में से कुछ आपको <laughs> नहीं आई थिंक ये बात जो है ना एवरी चैनल हैज़ ओ देर ओन पॉलिसी सो बी एड एक्स चैनल बी एड वाई चैनल सो पैरामीटर्स देखें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हैं तो आपको रूल्स के साथ कंप्लाई करना पड़ता है सो प्राइवेट सेक्टर में भी जो मैंने काम किया वहाँ पर भी रूल्स थे पी टी वी भी ऑफकोर्स मदर इंस्टीट्यूट है उसके भी अपने रूल्स हैं सो मुझे नहीं कभी इस चीज़ ने बौदा किया लॉ फॉर्म्स में हम काम करते हैं वहाँ पे कई दफ़ा मैंने एक ऐसे लॉ फॉर्म में भी काम किए जाके जहा पे खतन वकीलों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट था कि वो एक सर्टन uh, मतलब ड्रेस कोड फॉलो करें तो आई थिंक रूल्स एंड रेगुलट इम्पॉर्टेंट भी होते हैं तब वरना तो फिर एक आप समझ लीजिए इसको एक अनार्की वाली सिचुएशन डेकोरम तो बहुत डेकोरम इम्पोर्टेंट होता है मेनटेन करने के लिए सोसाइटी में भी तो रूल्स का लागू होना जरूरी है सो आई थिंक ये अच्छी चीज है कि रूल्स होने चाहिए चाहे वो टीवी चैनल्स में हो चाहे वो कहीं से भी वर्क प्लेस में हो लेकिन हाँ कोर्स जब आप, आप प्राइवेट से पब्लिक में या पब्लिक से प्राइवेट में जाते हो तो आपको काफ़ी तो बुनियादी डिफरेंसेस होते ही हैं कुछ इन टर्म्स ऑफ यू नो आपकी रेमिनरेशन कुछ इन टर्म्स ऑफ आपकी व्यूअरशिप uh, कुछ इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ पीपल यू कम अक्रॉस बट ओवरऑल मेरा जनरली जो है एक्सपीरियंस इन द टी इंडस्ट्री हैज़ बीन वेरी गुड एंड आई थिंक पी में तो ये इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है और uh, हमेशा से रखा गया है सिंस आई बिन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एक फीमेल कंड्यूसिव इन्वायमेंट है अब आप, आप बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर्स देखेंगे खवतिया आई इनफैक्ट आई हैव अ फीमेल प्रोड्यूसर दैन वी वॉलो है डायरेक्टर्स फीमेल डायरेक्टर्स सो फीमेल पार्टिसिपेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इनक्रेज जो कि मैंने देखी है खुद ट और मैं यही नारीटिव एक्चुअली अपने शो के जीबी बिल्ड करना चाह रही थी दैट आपको लगता है कि पी टी वी आप लगाते हैं तो मतलब कोई बहुत कोई पुराना और इस तरह का उनकी कोई इस तरह का दिस इज वेरी इनकरेक्ट बिकॉज जब मैं आपके शो पे आई आपकी प्रोड्यूसर्स वो सो स्वीट और बड़ी कॉपरेटिव भी थी फिर उसके बाद आप तो थी थी आपका कम्फर्ट लेवल तो मुझे था बट ऑल टूगेदर इट वॉज अ वेरी इंक्लूसिव एंडल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऊपर से ये चीज़ें आती हैं ना टॉप लीडरशिप से ट्रिकल डाउन करता है ये इफेक्ट सो आई थिंक ये ये टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ अब वक्त बदल गए हैं बेसिकली एंड इतनी फीमेल हम रिप्रेजेंटेशन वैसे भी देखते हैं आप उठा के देख लें सो so ये एक नैरेटिव गलत हो गया बिल्कुल. ना कि कोई एक जगह फीमेल uh, इट्स नॉट बिल्ड फॉर फीमेल सो ऐसी कोई बात नहीं है और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के थ्रू हमेशा ये मैसेज कन्वे uh, करने की जरूर कोशिश करती हूँ कि विदाउट हैव द नॉलेज राइट राइटली सो चीज़ों को इस तरह से प्रोमोट ना किया जाए मूविंग फॉरवर्ड फातमा आप मुझे बताएं कि uh, इस प्रोग्राम के थ्रू में जो हमारी यंग uh, ग्रेजुएट्स हैं या लॉ mm स्टूडेंट्स -hmm. हैं और इंस्पायरिंग कि हम भी इस फील्ड में कोई चेंज लाएंगे बिकॉज आपने तीनों जगह पर काम किया जी कैन कैन यू यू नो चेक दैट स्टेटमेंट कि ये जगह फीमेल्स के लिए नहीं है या ये बहुत मेल डोमिनेटेड तो है बट स्टिल आई थिंक सो मेरा तो पर्सनल व्यू है कि वी हैव लॉट ऑफ स्पेस एंड वी हैव आई थिंक सो हमारे पास बहुत जगह है अपना नाम बनाने mm -hmm. की और अच्छा काम करके वट आर योर व्यूज ऑन दैट आई थिंक आई एग्री विद यू ये बात ठीक है इस बात से इनकार नहीं कि लोअर पर्स से एक मेल डोमिनेटिव प्रोफेशन है डेफिनेटली आई थिंक नो बडी वुड डिनाई डेट लेकिन हैविंग सेड दैट हमें देखा आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा खातें सामने भी आ रही हैं आप सुप्रीम कोर्ट की हमारी जज जो हैं एक फर्स्ट फीमेल अपॉइंट हुई हैं फिर अभी रिसेंटली हमने देखा है पिशावर हाँ, में बिल्कुल हाई कोर्ट बार के बिल्कुल हाई कोर्ट बार के आप देख लें बहुत ज़्यादा आप जैसी ख़्वतन आ रही हैं और भी ग्रुप्स हैं विमेन लेड ग्रूप्स जो कि खुतिन वकीलों को उनके जो मसायल हैं उनके जो इशूज़ हैं उनको भी सामने लेकर आ रही हैं सो आई थिंक मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन तो है लेकिन फिर और भी प्रोफेशनस हैं जहाँ पे आप ये डोमिनेंस देखते हैं मर्दों की सो एट दी एंड ऑफ द डे आई थिंक ये एक बड़ा ज़ाती डिसीजन है कि आप देखें कि आपने और कितना हार्ड स्ट्रगल करनी है कितने के लिए आप तैयार हैं कितना आपकी इन्वायरमेंट आपको अलाउ करती है लेकिन मेरी एडवाइस सिर्फ ये होगी कि आप क्योंकि लॉ एक बड़ा डाइवर्स प्रोफेशन है एंड आई थिंक गॉन आ टाइम्स जहाँ पे आप ये कहें कि एक वकील सिर्फ सिर्फ वही शख़्स है जो प्रैक्टिस करता है बिल्कुल है बहुत ज़्यादा uh, जो है हम देखते हैं लॉयर्स डिफरेंट जगहों पे जो है वो काम कर रहे हैं ब्यूरोट्स भी हैं पॉलिटिशन्स भी हैं एकडामिक्स में भी हैं जर्नलिज्म में भी हम देखते हैं सो आई थिंक जो भी करें उसको बड़ा पर्सवेरेंटली करें एंड गिव इट यूर बेस्ट पैशनेटली करें एंड आई थिंक यू शुड वर्क सो हार्ड दैट योर वर्क जो है ना आपका काम जो है दैट शुड बी द पॉइंट थ्रू विच आर रिकनाइजड जो आपके इर्द गिर्द का नॉइज है ना वो सारा खत्म हो जाता है वो कहते हैं ना सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज सो आई थिंक इस चीज़ को ये एक ऐसी चीज है जिसमें हमेशा आई हैव बाय एंड आई वुड यू नो वांट टू फॉर दिस वेरी थिंग कि आप हमेशा अपने काम से अपनी जगह बनाएं बनिस्पत इसके कि आप बाकी जो हैं एक्स्ट्रा एंसिलरी चीज़ें उन पर फोकस करें वो ही है जो आपके साथ रहता है और वही है जो आपकी पहचान बनता है बिल्कुल। uh, 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 you know, आप, like uh, जिसने इतनी उसमें काम किया लॉन्ग आर स्टेइंग इन हेयर तो ऐसा कोई बंदा अगर एडवाइस करे तो मेरा ख्याल है वो बहुत एक इंकरजिंग फैक्टर होता है एंड ज्यादातर आपको भी पता है हम भी देखते हैं कि Uh, बहुत एक नेगेटिव किस्म का एक जो प्रॉपरगेंडा है वो किया जाता है इस फील्ड के बारे में फॉर वन आई आई विल नॉट से आई विल नॉट से नॉट देवलम्स हेयर बट इतना प्रॉब्लमेटिक है नहीं जितना दिखाया दिखाया जाता है आई एग्री और देखें आप जिस भी खातन स्ट्राइव कर रही हैं ना स्ट्रगल कर रही हैं लिटिगेशन uh, में हु हैव मेड अ नेम फॉर दम सो आई थिंक

नंबर दो परसिवेरेंट सवेरेंट बिकॉज हमेशा जो बंदा गिर के उठता है ना वो हमेशा बहुत स्ट्रोंग होता है वो कहते हैं ना इंग्लिश की एक बहुत मशहूर कहावत है राइज अबव और फॉल बिलो सो ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके साथ मैंने हमेशा लिव बाय किया एंड दिस इज समथिंग जिसको मैं बहुत एक्टिवली जो है प्रीच करती हूँ और आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि डोंट माइंड द इश्यूज डोंट माइंड द प्रॉब्लम्स दैट कम योर वे जस्ट कीप मूविंग बिकॉज़ ज़िंदगी भी तो इट इज़ द नेम ऑफ यू नो मूविंग ऑन इन लाइफ सो यू शुड नॉट बेसिकली बैक डाउन रिगार्डलेस ऑफ द हर्डल्स विच कम योर हुए कानून हम सबको पता है एक बहुत नवी डोमिनेटेड प्रोफेशन है बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं खुतिन को लेकिन हैविंग सेट दैट अगर आप स्टेट फास्ट हैं अगर आपके गोल्स क्लियर हैं अगर आप परसवेरेंट हैं तो आई डोंट थिंक दट दस एनी थिंग दैट यू कान डू बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये कि जहाँ पे ऑफकोर्स आपकी अपनी विल मैटर करती है वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल से रिलेटेड बैरियर्स हैं जो सिस्टम से रिलेटेड बैरियर्स हैं

system the record so with this beautiful message and a very encouraging message from someone like Fatma, who has worked uh, for a long time mashallah in the field I think yeah but a message convey hoga to the young lawyers and the uh, uh, legal students right now who are studying law and they are looking forward to have a very uh, shining profession तो ये मेरे प्रोग्राम के थ्रू आई होप सो थोड़ा सा ये मैसेज कन्वे हो गया है विद दैट वेरी ब्यूटिफुल मैसेज हम आपका आज का प्रोग्राम कंक्लूड करेंगे एंड नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ बहुत जल्दी हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज़ थैंक यू